Hello dear students, how are you? Are you ready for today's maths activity? Okay, I hope you have guessed it, what we are going to do today. So you can see on the screen a beautiful geometrical design which has been created on a geo board using line segments. So do you want to learn how we have created this design? And then what we will be doing is we will be observing beautiful geometrical shapes on this design. Are you ready? Okay. Let me tell you, the link of this application is available in the description of the video. So aap sab is video ke description mein se is application ka link le sakte hain. और जो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे ये ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन क्रिएट होता है, आप साथ साथ उसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. सो आर यू ऑल सेट? राइट. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट. सो लेट मी क्लियर द स्क्रीन एंड देन यू कैन सी दैट हेयर आई हैव टेकन द सर्कुलर जियो बोर्ड. तो आप देखेंगे इस एप्लीकेशन में नीचे तीन तरीके के जियो बोर्ड्स दिए हुए हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर. तो इस एक्टिविटी के लिए वी विल बी यूजिंग द सर्कुलर जियो बोर्ड एंड देन यू विल सी दैट हेयर देयर इज अ ग्रिड ऑप्शन विच इज अवेलेबल. तो मैंने इसको क्लिक किया तो आप देखोगे कि आपके जियो बोर्ड पे यहाँ पर लाइन ड्रॉ हो जाएंगी. तो यहाँ पर यू कैन इमेजिन दैट दीज आर लाइन सेगमेंट्स. ओके, नाउ उसके बाद देखोगे यहाँ पर नंबर्स गिवन है, इसको क्लिक करो, ग्रिड नंबर्स, एंड देन यू विल सी दैट द होल जियो बोर्ड इज डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स नाउ. राइट. तो हम यहाँ पे एक ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि इफ यू ऑब्जर्व पॉइंट 1, 2, 3, 4 अप टू 12, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2 इज सेम एज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2 एंड 3. सो बेसिकली वी हैव डिवाइडेड दिस बाउंड्री ऑफ द सर्कल इनटू 12 इक्वल पार्ट्स. राइट. चलो अब हम डिजाइन बनाना शुरू करते हैं. तो उसके लिए व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी चूजिंग एनी टू कलर्स एंड लेट मी स्टार्ट विद वाइट बैंड. सो हम वन नंबर से शुरू करेंगे एंड ऑब्जर्व द पैटर्न. In my previous video also, I shared with you that pattern plays an important role. Observe the pattern and concentration usse improve hoti hai aapki aur focus aapka improve hota hai. To aap dekho, pattern ko observe karo. Maine kya kiya? I have put a band between points 1 and 2. 1 se 2 ke saath humne ज्वाइन कर दिया. फिर मैं 1 से ज्वाइन करूंगी और मैं इसको ज्वाइन करूंगी 1 से 2 के बाद एक छोड़ दिया मैंने, 4 को ज्वाइन करूंगी. ठीक है, 1 एंड 4. आफ्टर दैट 1 एंड 6, देन 1 एंड 8. Now you will see that एक एक मैं गैप छोड़ती जा रही हूं एंड देन वी हैव रीच्ड अप टू 1, 2, 12. राइट. सो यू सी, अब मैंने ये पैटर्न जो फॉलो किया है उससे हमारे पास ये एक बेसिक लेआउट क्रिएट हुआ. नाउ वी हैव टू क्रिएट द सेम लेआउट विद द बैंड्स फ्रॉम एवरी पॉइंट. जैसे हमने 1 के साथ किया, अब हम 2 के साथ करेंगे. तो 2 के लिए आई हैव चोजन अनदर कलर. तो नाउ यू टेल मी व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप. वेरी गुड, वी विल जॉइन 2 एंड 3, लीव 1, देन 2 विल बी जॉइंड विद 5. सो हेयर यू विल सी दैट वी आर जॉइनिंग 2 विद द ऑड नंबर्स. सो 2, 7, देन यहां से भी शुरू कर सकते हैं, 2, 9, 2, 11, और लास्ट कहां से आएगा, 1 के साथ.
ठीक, तो अब आप देखो येलो कलर से भी सेम पैटर्न जो पिछले स्टेप में था, 1 पॉइंट से शुरू हो रहा था, अब वो 2 पॉइंट से शुरू होते हुए लाइन सेगमेंट्स की मदद से वी हैव क्रिएटेड दिस पैटर्न। सिमिलरली वी विल बी प्रोसीडिंग फॉर पॉइंट नंबर 3। अब आप देखो इससे एक और लाइफ स्किल भी आपकी ट्रेन होगी, बताओगे कौन सी? पेशेंस। यस, अगर कुछ अचीव करना है लाइफ में तो पेशेंस होनी चाहिए और कंसिस्टेंटली कीप ऑन डूइंग। सी, अब इवन नंबर्स के साथ ज्वाइन कर रहे हैं हम, और कंसंट्रेशन ब्रेक नहीं करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट 2 के साथ 3, तो वी हैव फिनिश्ड फॉर 1, 2 एंड 3। नाउ डू फॉर 4। ऑल्टरनेट मैंने कलर ले लिया, 4 को किससे ज्वाइन करूं पहले? 5 के साथ, देन एक छोड़ के, यस 7, देन 9 एंड 4, देन 11 एंड 4, देन 1 एंड 4। सी, पैटर्न्स आर सो ब्यूटिफुल। एंड देन 3 एंड 4, डू यू सी अ चेंज हाउ दिस एंटायर ज्योमेट्रिकल डिजाइन इज इवॉल्विंग? ट्राई टू एंजॉय द प्रोसेस। यस, अब हम कहाँ से शुरू करेंगे? 5 से। वेरी गुड, 5 एंड 6। 5 के साथ हमें इवन नंबर्स ज्वाइन करने हैं, 5 8, देन 5 10। आराम से धीरे धीरे करते जाओ, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है। 5 12, देन 5 2, और लास्ट छोड़ना नहीं है, उससे पहले वाला पॉइंट, उससे पिछला वाला पॉइंट कवर हो गया। गुड, नाउ बिगिन विथ 6, धीरे धीरे करना है। 6 के साथ 7। अब आप मुझे बताओ हर पॉइंट से हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स वी आर ज्वाइनिंग? 6 के साथ 7 किया तो 1, 6 के साथ 9 ज्वाइन किया तो 2, 11 तक ज्वाइन किया तो 3, देन 6 के साथ 1 ज्वाइन किया, 4 हो गए लाइन सेगमेंट्स, फिर 3 के साथ ज्वाइन किया 5, एंड लास्ट 5 के साथ ज्वाइन किया 6। सो यू विल सी दैट फ्रॉम एवरी सिंगल पॉइंट 6 लाइन सेगमेंट्स वी आर ट्राइंग टू मेक। ओके, नाउ बिगिन विथ 7। 7 के साथ, यस 8, देन 7 विथ 10, मेक अ लाइन सेगमेंट। एंड लाइन सेगमेंट्स दे आर ऑफ फिक्स्ड लेंथ, बट हेयर यू विल सी दैट ईच लाइन सेगमेंट इज ऑफ डिफरेंट लेंथ। दैट इज ऑल्सो अ ब्यूटिफुल ऑब्जर्वेशन। एंड जस्ट लेट मी नो इफ यू सी सम लाइन सेगमेंट्स दे हैव सेम लेंथ, जस्ट जस्टिफाई योर आंसर, कौन कौन से सेम लेंथ्स के होंगे? ओके, हमने 2 के साथ ज्वाइन कर दिया, एंड देन 4, एंड फाइनली 7 के साथ 6। ओके, अब 8 से शुरू करते हैं, देन वी बिगिन विद 8 एंड 9, देन 8 एंड 11। आप सोच रहे होगे पता नहीं मैडम क्या कर रही हैं, भाई डिजाइन बनाना है तो प्रोसेस तो समझनी पड़ेगी ना, और पेशेंस से काम करना पड़ेगा, और कुछ सीखना है तो टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? और खुद करने से तो ज्यादा मजा आता है। 8 के साथ भी बन गए। ओके, 9 के साथ करते हैं। सो 9 के साथ मैंने किया 10, देन 9 के साथ 12 ज्वाइन किया। अभी देखो कितनी ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशंस नजर आ रही हैं। आप ना अब साथ साथ ऑब्जर्वेशन करते जाओ कि कोई कौन कौन से आपको ज्योमेट्रिकल शेप्स विजिबल हो रही हैं, कौन से स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े थे ना, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स, कैन यू सी स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स? हम उसके बारे में अभी एक्सप्लोरेशन करेंगे। ओके, 9 हो गया, अब 10 के साथ करते हैं। 10 के साथ 11, देन वी जॉइन 10 विद
इलेवन के बाद वन, देन टेन के साथ ज्वाइन करेंगे थ्री. आप नोटिस करना कि कैन यू सी सम स्क्वायर्स, थ्री के बाद फाइव. कैन यू सी सम ट्रेपीजियम एंड कैन यू सी सम पैरेललोग्राम्स और कैन यू सी सम रोम्बस. जस्ट कीप ऑब्जर्विंग. टेन पॉइंट तक हो गया. ओके, नाउ बिगिन विद इलेवन. इलेवन के साथ वी हैव जॉइंड ट्वेल्व. बस होने ही वाला है थोड़ी देर में. ट्वेल्व के साथ, इलेवन के साथ फिर टू, टू के साथ फोर. देखो आपकी कॉन्सेंट्रेशन भी इम्प्रूव होगी और पेशेंस तो टेस्ट हो ही रही है ऑब्वियसली. धीरे धीरे आप बना रहे हो. सिक्स के साथ एट, देन इलेवन के साथ टेन. ओके, इलेवन भी हो गया. अब आते हैं ट्वेल्व पर. लास्ट पॉइंट है ये. फिर देखेंगे मजेदार क्या निकल के आता है इसमें से. मैथ्स क्या दिखेगा यहाँ पर. ट्वेल्व से वन, देन ट्वेल्व से थ्री, देन बी जॉइंड विथ ट्वेल्व एंड फाइव, देन ट्वेल्व को ज्वाइन किया मैंने सेवन के साथ, देन नाइन एंड फाइनली ट्वेल्व के साथ वन. क्लैपिंग. सी द डिजाइन इज रेडी. यही था ना डिजाइन. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व ज्योमेट्रिकल शेप्स इन दिस. राइट, कैसे करेंगे ऑब्जर्व. चलो पहले देखते हैं कि स्क्वायर्स बन रहे हैं इसमें कि नहीं. ओके, आई एम टेकिंग अ डिफरेंट कलर बैंड. सो आई कैन सी हियर दैट दिस इज अ स्क्वायर. ओके, लेट मी कलर इट. आपको नजर आ गया ये स्क्वायर. अब आप देखो स्क्वायर, अगर मैंने किसी सर्कल को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है और डिवाइड करने के बाद कौन से पॉइंट्स मैंने ज्वाइन करने हैं लाइन सेगमेंट से कि वो स्क्वायर बनेगा. एंड यू हैव टू गिव मी द लॉजिक कि ये स्क्वायर क्यों है. थिंक अबाउट इट. ओके, मैथमेटिक्स सेज थिंक थिंक थिंक. ओके, अगर मैं एक पॉइंट वन की जगह टू से ऑब्जर्व करना चाहती हूँ कि टू पॉइंट से स्क्वायर बन रहा है. यस, अगर मैं टू से शुरू करूंगी, यू ऑब्जर्व दिस, यू आर अगेन गेटिंग अ स्क्वायर. Isn't it beautiful? Now you see from point 3. Yes, I can see that from every point, if I wish to make a square, I can do that. Isn't it interesting? See how beautiful geometrical designs are and how beautiful geometry is. So from every point, I can get a square. Right? Okay. Let me see if we are able to see here trapezium. What is a trapezium? Yes, you know that it is a special quadrilateral in which both pairs of opposite, one pair of opposite side is parallel to each other. When both pairs of opposite sides are parallel, then it becomes a parallelogram. Okay, so here can you see a beautiful trapezoid, a trapezium? You can see here that, let me use a pencil, and you will see that here, let me mark it. This is, let's go, mitate hain pehle. Yes, here you can see that this is parallel to this. And this shape, which is purple in color, you can see that it's a trapezium. So you just tell me, if you join two consecutive points, are you able to get trapezium from every such pair? You need to see this beautiful exploration, right? Okay, let me check that. Agar main yahan se banana chahu in do points se, can I get? Oh yes, I'm able to get that. See, it's a part of this design. Isn't it beautiful? Right? Okay, tell me, can you see rectangles over here? Rectangles nazar aa rahe hain?
हाँ मुझे एक तो ये नजर आया यहाँ पर, आई कैन सी दिस वन. सो इफ आई विश टू ड्रॉ रेक्टेंगल्स एंड एक मैंने कोई लाइन सेगमेंट लिया यहाँ पर, तो कैन आई मेक दैट? यस आई कैन डू दैट. आई कैन सी देर आर सो मैनी ऑफ देम हेयर, राइट? ओके, और कौन सी शेप नजर आ रही? जस्ट एक्सप्लोर एंड राइट इन द कॉमेंट बॉक्स विच ऑल शेप्स यू आर एबल टू फाइंड इट इन दिस ज्योमेट्रिकल डिजाइन. आई होप यू लाइक द एक्टिविटी एंड प्लीज रिमेंबर द लाइफ लेसन्स फ्रॉम दिस एक्टिविटी. बी पेशेंट, विथ पेशेंस यू नो यू कैन अचीव मच मोर. एंड हेयर फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन बोथ आर प्लेइंग अ ग्रेट रोल. And geometry is indeed beautiful, right? And mathematics says think, think, think. So have a nice day, enjoy, and try to create some more geometrical designs on this circular geoboard and share with me. Bye bye.